ओके ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हाँ आर्यन बोलो, उसमें एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने कहा था अभी डिस्कस नहीं करेंगे, डेल्टा जी विल बी जीरो एट इक्विलिब्रियम, उसका मीनिंग थर्मोडायनामिक्स में समझ आए। उसके बाद तो सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए थे जब वो स्टूडेंट कह रहा था कि नेक्स्ट क्लास है फिजिक्स की, हो गए थे ना सारे पॉइंट्स डिस्कस। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको जब भी इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन विल बी मोस्ट लाइकली न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल पॉइंट्स नहीं आने वाले। और एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल हमारे होते हैं वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। यहां से हम उस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां से आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स गेन करोगे। सो दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट दिस लॉ सेज, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझेंगे। According to this law, rate of reaction is directly proportional to product of active mass और कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीशीज रेज्ड टू पावर इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आप लोग स्कूल एग्जाम भी दोगे तो स्कूल एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आप ये स्टेटमेंट लिख के आओगे वहां पे, फर्स्ट नोट डाउन द इक्वेशन देन आई विल एक्सप्लेन इट। Once you note down, please let me know. Okay. देखो बच्चों, for the time being, मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि active mass is concentration. पर actual में ऐसा नहीं होता। हम इस चैप्टर में एक्टिव मास को कंसंट्रेशन एज्यूम कर रहे हैं और ये एजम्पशन तभी तक वैलिड है अगर आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने वाला चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो वो आइडियल हो। एक्टिव मास इज कंसंट्रेशन ओनली फॉर आइडियल स्पीशीज। इफ योर सॉलिड सब्सटेंस इज आइडियल सॉलिड, लिक्विड इज आइडियल, गैस इज आइडियल, your solution behaves ideally, only then we can write active mass is concentration. Actual mein active mass define hota hai is tarike se, concentration multiply by activity coefficient. If your every component which is part of the reaction mixture, whether it is a reactant, whether it is a product, koi bhi substance, अगर आपका पूरा सिस्टम आइडियली बिहेव करेगा तब इस नंबर की वैल्यू होती है वन। ओनली इन दैट कंडीशन एक्टिव मास एंड कंसंट्रेशन आर आइडेंटिकल। और हम पूरे चैप्टर में ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि चाहे हमारी गैस हो, चाहे हमारा लिक्विड हो, चाहे हमारा सॉलिड हो, चाहे हमारा सॉल्यूशन, हम एक आइडियल सिस्टम के पढ़ेंगे बस।
और जब तक आप चीजों को आइडियल मान रहे हो तब तक एक्टिविटी कोफिशिएंट इज 1, सो एक्टिव मास इज नथिंग बट कंसंट्रेशन. सो फॉर आइडियल सिस्टम दिस एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसका सिंबल होता है गामा, गामा इज 1. देयरफॉर एक्टिव मास इज कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन में अगर डेफिनेशन देखो तो कंसंट्रेशन इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. पर क्वेश्चन है किसका वॉल्यूम. मान लो अगर मेरे पास एक बीकर के अंदर सॉलिड पड़ा हुआ है, सॉलिड, भले बीकर का वॉल्यूम या कंटेनर का वॉल्यूम लेट से V है, लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम V डैश है. तो जब मुझे कोई कहेगा ना इस सॉलिड की कंसंट्रेशन बताओ, तो यहां पे सॉलिड का वॉल्यूम रखना, बीकर का वॉल्यूम नहीं रखना. जिस सब्सटेंस के एक्टिव मास की बात हो रही है उस सब्सटेंस के वॉल्यूम की बात हो रही है. अगर मैंने यहां पर लिक्विड लिया, अगर यहां पे पूरे बीकर का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है पर मेरे लिक्विड ने सिर्फ 30 ml स्पेस ऑक्यूपाई की, तो मुझे लिक्विड का वॉल्यूम रखना है. यानी कि सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में कंटेनर का वॉल्यूम आप यहां नहीं रख सकते. और अगर मैं यहां वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो यह मोल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम. एम आई राइट? मैं इसको यहां लिख देता हूं, मोल्स कैन बी रिटन एज दिस कंसेंट्रेशन कैन बी रिटन एज मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम. तो अगर मैं किसी सॉलिड का मास ले रहा हूं तो सॉलिड का वॉल्यूम, अगर मैं लिक्विड का मास ले रहा हूं लिक्विड का वॉल्यूम, जिसका मास उसी का वॉल्यूम, जिसके एक्टिव मास की कैलकुलेशन करनी है आपने उसका मास और उसी का वॉल्यूम रखना. और आप ये जानते हो, वेट आर्यन डोंट इंटरप्ट, मैं खुद बोलूंगा कब मेरे को डाउट पूछने. दिस मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी. और किसी सॉलिड की, लिक्विड की डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट नंबर. किसी सॉलिड की डेंसिटी, किसी लिक्विड की डेंसिटी इज ए कांस्टेंट नंबर. किसी सॉलिड या लिक्विड का मोलर मास इज ए कांस्टेंट नंबर. तो एक्टिव मास फॉर सॉलिड और फॉर लिक्विड इज ऑलवेज काउंटेड एज ए कांस्टेंट नंबर. सो एक्टिव मास इज रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द मोलर मास. देयरफॉर एक्टिव मास फॉर सॉलिड और फॉर लिक्विड इज कॉन्स्टेंट. जब आपने कंसेंट्रेशन पढ़ी थी 11th, अभी मोल कंसेप्ट में लास्ट में कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, तो आप बच्चों ने कंसेंट्रेशन के कई रूप पढ़े थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, परसेंट बाय मोल, डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे. तो जब तक आपका सब्सटेंस प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो हम यहां पर कंसेंट्रेशन कौन सी टर्म्स में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स. सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हम मोल फ्रैक्शन उसके एक्टिव मास को डिफाइन करते हैं, यानी कि आपने कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन लेना है. फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एक्टिव मास इज टेकन एज
the mole fraction. अब मुझे ये बताओ, मोल फ्रैक्शन, अगर मैं मोल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, अगर हो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन जब वो सिंगल कंपोनेंट हो, एक ही चीज है, लाइक प्योर वाटर, प्योर सॉलिड वन. सो फॉर प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड, एक्टिव मास इज टेकन एज द मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज, सो एक्टिव मास इज काउंटेड एज वन फॉर प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स. अगर मेरा सॉलिड प्योर नहीं है, लिक्विड प्योर नहीं है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सॉलिड, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन लिक्विड, देन दिस कंसेंट्रेशन इज काउंटेड लाइक मोलैरिटी. फिर हम यही डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फिर हम कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. पर ये ध्यान रखना, वॉल्यूम सॉलिड या लिक्विड के केस में कंटेनर का वॉल्यूम नहीं लेना, सॉलिड का अपना वॉल्यूम, सॉलिड लिक्विड का अपना वॉल्यूम हमें पुट करना. अगर हमारे सब्सटेंसेस प्योर नहीं है, फिर ये स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड. ये सिर्फ सॉलिड या लिक्विड जब प्योर होगा तभी हम उसके मोल फ्रैक्शन को वन रखेंगे. अब अगर कोई सब्सटेंस हमारा गैस हो, फॉर ए गैस, आप ये अच्छे से पढ़ चुके हो, गैस के केस में कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि कंटेनर क्लोज होगा और यहां कुछ गैस है, गैस ऑक्यूपाइज फुल स्पेस. और क्योंकि मैंने ये पहले से बोल दिया कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आइडियल सॉलिड है, आइडियल लिक्विड है, आइडियल गैस है, तो वी आर एज्यूमिंग कि गैस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है. गैस के केस में यहां पर वॉल्यूम आपको किसका रखना पड़ेगा? कंटेनर का वॉल्यूम. और अगर गैस के केस में आप कंटेनर का वॉल्यूम अगर रख रहे हो, गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू कंटेनर का वॉल्यूम, तो अब उसके लिए जो कंसंट्रेशन में जो भी आपको देखना होगा, गैस की मात्रा अगर बदलेगी तो गैस का एक्टिव मास बदलेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा. क्योंकि अगर गैस के चार मोल ने पूरे कंटेनर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो अगर गैस के चार में से दो मोल रिएक्शन में हिस्सा ले भी गए, तो गैस के बचे हुए मोल से फुल स्पेस ऑक्यूपाई करें. तो गैस के केस में जो भी एक्टिव मास होगा उसका वॉल्यूम अगर फिक्स है, तो मोल्स चेंज होंगे विद टाइम, तो कंसेंट्रेशन चेंज होगी, तो गैस के केस में एक्टिव मास इज नॉट कॉन्स्टेंट. सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या है? डेंसिटी बाय मोलर मास की रेशियो फिक्स. पर गैस के केस में आप ये अच्छे से जानते हो, डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी. कैन यू राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड? नो ना. तो किसी कंटेनर में गैस का प्रेशर विद टाइम चेंज होगा जैसे जैसे वो रिएक्शन में हिस्सा लेगी, क्योंकि गैस का प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? गैस का प्रेशर इज एन बाय बी आर टी. अब ध्यान से सीखो, अगर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं, मोल्स बाय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन विच इज एक्टिव मास फॉर द गैस, विच कैन बी रिटन एज पी बाय आर टी. कंसंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम कैन बी रिटन एज पी बाय आर टी. At a given temperature, whatever will be the pressure, that will decide the active mass of a gas. और अगर कोई गैस रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, तो गैस का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, पर गैस के मोल्स बदलेंगे. और अगर गैस के मोल्स बदलेंगे, तो गैस का प्रेशर बदलेगा. तो अगर किसी कंटेनर में गैस का प्रेशर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब गैस के मोल्स में बदलाव आ रहा है, क्योंकि गैस के मोल्स चार में से दो खर्च भी हो गए, बचे हुए मोल्स ने तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है. सो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बट मोल्स विद टाइम कैन चेंज.
So if your gas is changing its pressure with time, which will obviously happen whether your gas is a reactant or a product. किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, प्लीज क्लोज योर माइक. सो विद टाइम जैसे जैसे अगर आपकी गैस कोई रिएक्टेंट स्पीशीज है तो गैस के केस में ये मोल्स चेंज होंगे टाइम के साथ साथ. तो अगर गैस के मोल्स चेंज होंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गैस का प्रेशर बदलेगा. अगर गैस का प्रेशर बदलेगा तो आप उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं देख सकते, क्योंकि मोल्स बाय वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर. गैस के केस में उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है. तो अगर किसी कंटेनर में आपके पास गैस का प्रेशर टाइम के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है. और अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, भले ही मोलर मास कांस्टेंट है पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो गैस के केस में उसका एक्टिव मास कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा जो कि सॉलिड और लिक्विड में कांस्टेंट है. सो फॉर द गैस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. पर हम, मैं अभी बताऊंगा, हम पूरे चैप्टर में ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के स्टडी करने वाले हैं. बताऊंगा कि क्यों. टेम्परेचर कांस्टेंट पर ही हम सारी स्टडीज करने वाले हैं इस चैप्टर में. और जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, बस प्रेशर के चेंजेस से हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया. सो फॉर द गैस, एक्टिव मास एन बाय वी, यहां कंसेंट्रेशन ए फॉर द गैस, एक्टिव मास ऑफ द गैस, ए इज द सिंबल फॉर एक्टिव मास. सो एक्टिव मास ऑफ अ गैस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर. इट इज नॉट कॉन्स्टेंट for a gas participating during reaction. अब वन बाय वन अपने डाउट्स पूछो. तो सबसे पहले आर्यन, हां मैंने तुझे बीच में रोक दिया था, अब पूछ क्या पूछना है. अब क्लियर है? एनी अदर स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी अप टू हियर? जितना पढ़ाया इसमें कुछ पूछना. फिर हम कंसंट्रेशन. मान लो कि मेरे पास जिंक और कैडमियम का मिक्सचर है, तो अब वो जब दो कंपोनेंट का मिक्सचर है तो एक सॉल्यूट बन जाएगा, दूसरा सॉल्वेंट बन जाएगा. जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्यूट, जिसकी मात्रा कम वो सॉल्वेंट. तब मैं उसको लाइक ए सॉल्यूशन ट्रीट करूंगा. इज दैट क्लियर आर्यन? एनी अदर स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? जैसे आपने आइडियल गैस के केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था जेड, बिल्कुल वैसा ही एक नंबर है. हाँ, रियल गैस में वैसा ही एक नंबर है जो सिर्फ गैसेस के लिए नहीं डिफाइन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन सबके लिए डिफाइन है. इट हैज नो, इट जस्ट अ मिनट, जो जिससे मेरी बात हो रही थी, इट हैज नो यूनिट्स. और अभी जिससे मेरी बात हो रही, कैन यू टेल मी योर गुड नेम, जिसको मैं बता रहा हूं कि ये यूनिटलेस है? हाँ, तो मिस्टर चौबे, ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना बेटा, ये अभी 90% कंप्लीट है. इसको मैं 10% कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स में कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा. ये भी पूरी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है. यहां डिनोमिनेटर में ना कुछ आएगा जो पूरे इस चैप्टर में हमने वन माना होगा, पर वो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो अभी नहीं समझा सकता जब तक आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लेते. बट लकीली इसके डिनोमिनेटर में एक नंबर आ रहा है वन. वो वन नंबर आने के कारण एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर ही है, इसलिए हमें इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली. लेकिन अगर कोई आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज एक्टिव मास,
तो आप बोल सकते हो एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन। अगर वो कहेगा इज इट वैलिड फॉर एवरी सब्सटेंस, आप बोलोगे नो, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ओनली वैलिड फॉर आइडियल सॉलिड, आइडियल लिक्विड, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैस। फिर आपसे अगर कोई पूछेगा कि एक्टिव मास कांस्टेंट कब लेना है, आप बोलोगे जब प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का डेंसिटी और मोलर मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन गैसेस के केस में ये रेशियो वेरिएबल है, क्योंकि गैस की मोलर मास भले ही कांस्टेंट हो पर गैस की डेंसिटी प्रेशर पे डिपेंडेंट है। और अगर कोई गैस आपकी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है जो टाइम के साथ साथ अपना प्रेशर चेंज करेगी, तो गैस की डेंसिटी भी चेंज होगी। और अगर गैस की डेंसिटी चेंज होगी तो फिर एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं रहेगा गैस के लिए। इज दैट क्लियर चौबे जी? ओके आर्यन, यू वर सेइंग समथिंग। बिल्कुल है, लेकिन ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे जब सॉलिड स्टेट आएगा। आइडियल सॉलिड वर्सेस रियल सॉलिड, रियल सॉलिड्स आपने पढ़ने ही नहीं, वो आएंगे भी नहीं, सॉरी ट्वेल्थ में कहीं नहीं आने वाले। आइडियल लिक्विड रियल लिक्विड, ये ट्वेल्थ में चैप्टर आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पर आप आइडियल लिक्विड वर्सेज रियल लिक्विड या फिर आइडियल सॉल्यूशन वर्सेज रियल सॉल्यूशन पढ़ोगे। जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट, आर्यन क्या कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा ना, यहाँ पे एक नंबर है जिसके यूनिट्स वही हैं जो कंसेंट्रेशन की यूनिट है। एक्चुअली ये यूनिटलेस है, ये नंबर यूनिटलेस है। तो जो कंसेंट्रेशन के यूनिट है वही यहाँ डिनोमिनेटर वाली टर्म के यूनिट्स है, पर डिनोमिनेटर में यहाँ नंबर आ रहा है वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां कंसेंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम लिया, मोलैरिटी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के यूनिट से मोल पर लीटर, तो यहां पर जो भी आप वैल्यू रखोगे मोलैरिटी की वो तो मोल पर लीटर में डिवाइड बाय वन मोल पर लीटर करना पड़ता है, उससे ये टर्म यूनिटलेस हो जाती है। तो जो अभी तूने मेरे से उगलवा लिया ना, ये अब कंप्लीट डेफिनेशन हो गई है, पर उसमें बस अभी ये नहीं पता कि क्यों करना है वन मोल पर लीटर से डिवाइड, वो थर्मोडायनेमिक्स में समझ आएगा। क्या ये पॉइंट जो आर्यन ने पूछा सबको समझ में आया? सबने सुना ये ध्यान से, एक्टिव मास इज एक्चुअली, एक्टिव मास इज ए डायमेंशनलेस टर्म, इट इज यूनिटलेस टर्म। इसलिए यहां कंसेंट्रेशन अगर आप मोल्स बाय वॉल्यूम मोल पर लीटर में रख रहे हो तो हमें डिनोमिनेटर में वन मोल पर लीटर से डिवाइड करना पड़ता है ड्यू टू सम रीजन। इसलिए यहां पर इस पूरी टर्म के यूनिट्स नहीं होते, इस नंबर के यूनिट्स नहीं है, तो एक्टिव मास भी यूनिटलेस है। क्या ये चीज सबने सुन ली ध्यान से? अब ये ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले? इस चैप्टर में हम इस नंबर को हर बार इग्नोर कर देंगे, हर बार। और जब हम इसे इग्नोर करेंगे पूरा का पूरा, तो हम एक्टिव मास को यूनिट के साथ बताएंगे, पर वो यूनिट कंसेंट्रेशन के ही होंगे, which is actually wrong, but हम ऐसे काम चला रहे हैं। Actually इसके units नहीं होते। तो अगर कभी भी कोई बोल देता ना active mass of something is 2 mole per liter, तो मैं समझ लेता हूं किसने layman की तरह बात की है, इसने pure technically chemist की तरह बात नहीं की। Technical chemist बोलेगा active mass is 2, active mass is 4 without units। और ये स्टेटमेंट कभी जेईई एडवांस में आपसे कोई पूछ सकता है क्या एक्टिव मास के यूनिट्स होते हैं? आइडियली नहीं, पर हम चैप्टर करते वक्त इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम कैजुअली चैप्टर कर रहे हैं, तो हम उसमें ये इग्नोर कर देते हैं इसके यूनिट्स। तो हम सिर्फ जो कंसेंट्रेशन के यूनिट्स है वही एक्टिव मास के यूनिट बताते। एनी अदर क्वेरी अप टू हियर? वेयर एक्टिव मास ऑफ द गैस, एक्टिव मास ऑफ द गैस, ए इज द सिंबल ऑफ एक्टिव मास फॉर द गैस, एक्टिव मास इज पी बाय आर टी, सो वी आर ट्रीटिंग एक्टिव मास एज ए डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। ओके नाउ, अब जब आपने एक्टिव मास समझ लिया, किसी स्टूडेंट का माइक कौन है, ऐसा ना हो कि मैं रेंडमली किसी स्टूडेंट को मीटिंग से एग्जिट करा के मीटिंग लॉक कर दू, इसलिए अपना माइक क्लोज कर लू।
मैं ये ऐसे काम बहुत करता हूँ, किसी स्टूडेंट का अगर माइक ऑन है जिसके पीछे से आवाजें आ रही हैं, सब अपना माइक क्लोज करो और डाउट जरूर पूछो, डाउट पूछने के बाद माइक क्लोज करूंगी। ओके, नाउ जब अब एक्टिव मास अगर समझ गए तो हम इस पूरे चैप्टर में एक्टिव मास को कंसेंट्रेशन लेके चलेंगे। तो अब ये लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। मान लो ये कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया। दिस लॉ इज सेइंग कि अगर इस रिएक्शन की फॉरवर्ड में जाने की स्पीड देखनी हो, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस कैन बी रिटन एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन raised to power its stoichiometric coefficient which is 1 multiplied by active mass of hydrogen raised to power its stoichiometric coefficient 3। तो जो लाइन लिखी थी ना आपने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मैथ्स वाला प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट रेस्ड टू पावर इट्स कॉफिशियंट। ये स्टेटमेंट लिखवाई मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, मैथमेटिक्स वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट रेस्ड टू पावर इट्स कॉफिशियंट। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट अगर यहां लगाया तो दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इज रिटन एज के एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। दिस के अगर ये आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख रहे हो तो यहां लिखोगे के एफ, वेयर के एफ इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मुझे कोई ये कह दे कि अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, तो इस रिएक्शन की बैकवर्ड आने की भी स्पीड कुछ ना कुछ है, और बैकवर्ड आने की स्पीड भी आप लॉ ऑफ मास एक्शन से प्रिडिक्ट करोगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। Who is reactant in the backward direction? For the backward direction, who is reactant? Ammonia. So active mass of ammonia raised to power its coefficient. Remove this proportionality by using some constant called KB. B stands for backward reaction. F stands for forward reaction. So this is called rate constant for the backward reaction. Active mass of ammonia raised to power 2. Where Kf is rate constant for backward reaction. अब मुझे सोच के बताओ, जीरो टाइम पे मान लो मैंने इसकी मोलैरिटी रखी हुई थी 4 मोलर और इसकी 12 मोलर, जीरो टाइम पे क्या आपके पास प्रोडक्ट था? जिस इंस्टेंट पे मैंने बीकर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाला उस समय अमोनिया नहीं था, तो उस इंस्टेंट पे अमोनिया की कंसंट्रेशन जीरो थी। एक्टिव मास हम अब कंसंट्रेशन ले रहे हैं, एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो जीरो इंस्टेंट पे, जीरो टाइम पे प्रोडक्ट का एक्टिव मास जीरो था, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जीरो थी। लेकिन जीरो इंस्टेंट पे, टाइम जब जीरो था, उस समय इन दोनों की कंसंट्रेशन जिसको मैं एक्टिव मास में पुट करूं, कुछ फाइनाइट नंबर है, 4 और 12 का क्यूब एक फाइनाइट नंबर है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डेफिनेटली कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर से है। इसलिए मैं पिछली क्लास में जब आपको ये ग्राफ दिखा रहा था रेट वर्सेस टाइम, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट यहां से कुछ स्टार्ट हुई, बैकवर्ड की यहां से स्टार्ट हुई। फॉरवर्ड के लिए मैंने कुछ फाइनाइट नंबर से रेट डिसाइड किया जीरो टाइम पे, और बैकवर्ड के लिए जीरो बताया, क्योंकि जीरो मोमेंट पे अमोनिया का एक्टिव मास जीरो है, क्योंकि एक्टिव मास इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अमोनिया की जीरो। अब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी?
टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो एक्टिव मास घटेगा, क्योंकि एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन हम मान के चल रहे हैं। तो अगर रिएक्टेंट का एक्टिव मास घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, तो व्हाट विल हैपन टू द फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट? दिस विल डिक्रीज। इसलिए ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा था। और जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन घटेगी तो अमोनिया की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, और अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एक्टिव मास अमोनिया का बढ़ेगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इसलिए ये बढ़ रहा है, और किसी टाइम पे जाके दोनों रेट क्या हो जाएंगी, इक्वल। देन आई विल से कि इस इंस्टेंट पर इक्विलिब्रियम आ गया। पर प्लीज केयरफुली अंडरस्टैंड, टाइम के साथ साथ ये नंबर अपनी वैल्यू घटा रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हर इंस्टेंट पे बदल रही है। बैकवर्ड रिएक्शन में इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, तो जो भी आप ये रेट डिफाइन कर रहे हो, ये एट ए गिवन इंस्टेंट है। आई शुड बेटर यूज द वर्ड इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, अब मुझे सोच के बताओ, जिस समय इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी घटनी थी घट गई, पर जब इक्विलिब्रियम आएगा क्या फर्दर कंसंट्रेशन घटेगा इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट का? नो, तब ये दोनों नंबर कांस्टेंट हो जाएंगे। जिस टाइम टी को आप इक्विलिब्रियम डिफाइन करो, अब ये नंबर घटना बंद कर देंगे अपने आप को, और जिस समय इन्होंने घटना बंद कर दिया, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट भी कांस्टेंट हो गई, जो ये नंबर है। और उसी समय इसने भी अपने आप को बढ़ाना बंद कर देना, और अगर इसने भी अपने आप को बढ़ाना बंद कर दिया, उस इंस्टेंट पे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को आप इक्वेट कर सकते हो। सो इफ टी इज टाइम ऑफ नॉट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विच इज सम कॉन्स्टेंट टाइम एक्टिव मास ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल। मीन्स इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम, सो इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन रेट से अलग है। अलग तो है, पर वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो रही है। ये देखो, किसी भी इंस्टेंट पे ये वाला टाइम, लुक एट दिस टाइम, इज इट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम? नो ना। क्या फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और ये बैकवर्ड रिएक्शन का, क्या फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं। अगर वो इक्वल नहीं है तो अगले इंस्टेंट पे क्या ये वैल्यू चेंज हो गई? तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, ये नंबर कांस्टेंट नहीं है, ये नंबर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नंबर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नंबर कांस्टेंट नहीं है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, when equilibrium is achieved, active mass of N2, active mass of H2, active mass of ammonia, अब मैं देखो यहां पर सिंबल क्या लगाने लगो, EQ, at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium, they all these number becomes constant. और अगर ये नंबर कांस्टेंट हो गए
ये कांस्टेंट तो शुरू से अंत तक हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट था, ये नंबर अब कांस्टेंट हुए, उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट भी कांस्टेंट हो जाएगी, उस समय ये नंबर कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम आने पे, अब ये बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी कांस्टेंट हो जाएगी और ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। एट दैट टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कांस्टेंट एज वेल एज rate of forward reaction becomes rate of backward reaction. That is the definition of equilibrium. At that moment or before that moment, I can equate them and I will get Kf into active mass of N2 at equilibrium, active mass of H2 at equilibrium raised to power 3 is rate constant time active mass of ammonia at equilibrium raised to power 2. अब मैंने इक्वालिटी लगाई पर मैंने इस पर टैग लगा दिया इक्विलिब्रियम वाले, पर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था मैंने इनको वेरिएबल माना, मैंने इसे वेरिएबल माना। केबी कहां ये के एफ ये के बी, अच्छा 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 हाँ नहीं ये फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड है, सही है सही है सही है, दिस इज फॉरवर्ड दिस इज बैकवर्ड। अब जब मैं इसे इक्वल कर रहा हूं, नाउ लुक व्हाट विल आई गेट from this equation, I can write as Kf upon Kb is equal to active mass of ammonia at equilibrium raised to power square upon active mass of nitrogen at equilibrium raised to power 1, active mass of hydrogen at equilibrium raised to power 3. Can I write this? इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो क्या Kf और Kb का रेशियो क्या ये नंबर के बराबर आएगा? बोलो। अब ध्यान से समझना, ये नंबर जीरो टाइम से लेके टी टाइम तक या किसी भी टाइम तक ये हमेशा कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है, पर ये नंबर जब तक आप इस टाइम इंटरवल में हो ये नंबर वेरिएबल है, और जब तक ये वेरिएबल है तब तक यहां इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ये रेशो इक्वल टू इसके बराबर नहीं आएगी जब तक यहां से लेके यहां तक का टाइम है, यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो। जिस समय इक्विलिब्रियम अचीव होगा तभी आप यहां इक्वालिटी लगा सकते हो, तभी आप यहां इक्वालिटी लगा सकते हो। अब ये नंबर कॉन्स्टेंट्स नंबर हो जाएंगे, तो अब न्यूमिनेटर भी कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, वी कॉल इट एज के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज रेशो, इट इज ए रेशो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट पावर इट्स कोएफिशिएंट अपॉन active mass of each reactant raised to power its coefficient. This ratio is defined as equilibrium constant. If you are going with the ideology of chemistry, if you are going theoretically and in principle wise, it has no units, it has no units, it has no unit. So ideally, equilibrium constant has no units. But हम कैजुअली इस चैप्टर में जब चलते हैं तो हम एक्टिव मास को रिप्लेस करेंगे कंसंट्रेशन से, और जब कंसंट्रेशन यहां पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिट्स के साथ पुट करेंगे, उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स आप डिफाइन करो, और यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूनिट के साथ बता रहे हो तो मैं बोलूंगा अच्छा आप मुझे
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता रहे हो, पर अगर आपने मुझे इसको टेक्निकली यूनिटलेस बताया, मैं कहूंगा आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता रहे हो। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये टर्म थर्मोडायनामिक्स में डिफाइन है और थर्मोडायनामिक्स अभी आपने पढ़ा नहीं। जब आप आने वाले टाइम में थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, आपको तब मैं ये सिखाऊंगा कि ये नंबर यूनिटलेस क्यों होता है। इसलिए थर्मोडायनामिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं होने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली ट्रू है। मतलब जो कि प्रैक्टिकली नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली ट्रू है, इट इज मोर सेंसिबल। बट हम इस चैप्टर में जब एक्टिव मास को कंसेंट्रेशन से इक्वेट कर देते हैं, तो हम कंसेंट्रेशन के यहां यूनिट्स के साथ साथ सब कुछ ये पावर नंबर के हिसाब से कुछ ना कुछ यूनिट्स आएंगे। और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूनिट्स के साथ बताओगे, मैं कहूंगा यू आर टॉकिंग में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पर अगर वो यूनिट्स के साथ नहीं बताओगे, मैं कहूंगा ओके दिस पर्सन इज मोर थियोरेटिकल, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रहा है। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, जस्ट ओनली डिफरेंस इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूनिटलेस, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट यूनिटलेस। यहां तक किसी को डाउट? एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। हाँ, नहीं हमें, मैंने बोला ना इस चैप्टर में हम सब यूनिट्स के साथ बताएंगे। वन, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन उसका वन, मोल फ्रैक्शन के तो यूनिट्स ही नहीं होते। वेरी गुड क्वेश्चन। तब आप बिस पैरेलल टू द विद टाइम। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझ। नहीं, मेरी बात सुन ध्यान से बेटा। जब तू प्योर सॉलिड बोल रहा है ना, लेट अस से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान ले मैं एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन डायमंड से ग्रेफाइट बन रहा है, दिस इज सॉलिड। अगर मुझे इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना हो, तो मैं लिखूंगा एक्टिव मास ऑफ ग्रेफाइट अपॉन एक्टिव मास ऑफ डायमंड। और सॉलिड के केस में तो एक्टिव मास वन वन ही रहे, तो मैं उस केस में बोलूंगा कि जब भी कभी कोई रिएक्शन में सिर्फ सॉलिड स्पीशीज है, सिर्फ लिक्विड स्पीशीज है, तब मैं कह दूंगा कि मेरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स है वन। एक्टिव मास विल बी काउंटेड एज कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन, विच साउंड्स वेरी अजीब, पर एक्चुअली डिफाइन ही ऐसे किया। और एक्चुअल में ये जब तुम सॉलिड स्टेट वाले रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम है ना, पिछली क्लास में बोला था सॉलिड्स का इक्विलिब्रियम हमेशा हेट्रोजीनस ही होता है। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम स्टडी करने आसान काम नहीं, दे आर वेरी डिफिकल्ट, एंड फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में है भी होमोजीनस इक्विलिब्रियम। और जब मैं होमोजीनस इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, तो अगर सारे सॉलिड्स भी आ गए तो भी वो होमोजीनस इक्विलिब्रियम नहीं था। हम इस चैप्टर में अगर कुछ पढ़ेंगे ना होमोजीनस इक्विलिब्रियम, और होमोजीनस इक्विलिब्रियम में क्या क्या होगा, गैसेस का मिक्सचर, सॉल्यूशंस का मिक्सचर, तब मेरी ये डेफिनेशन पूरी फिट बैठेगी। ऐसा नहीं है कि मेरी ये डेफिनेशन सॉलिड के इक्विलिब्रियम में डिफाइन नहीं, डिफाइन है, बट हम तब इसे ग्राफिकली नहीं समझे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट है, एंड एक्टिव मास विल चेंज विद टाइम, पर सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं होता। तब आप इस तरीके से डिफाइन ही नहीं करोगे, तब आप ऐसे डिफाइन ही नहीं करोगे अपना इक्विलिब्रियम। यू गॉट दैट पॉइंट और नॉट? बट ये बहुत, वेट वो एक मिनट, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिसने भी पूछा था, व्हाट्स योर गुड नेम, अमन, हाँ बहुत अच्छा पूछा था, वेरी गुड। हम आएंगे इस चैप्टर के अंत में, मैं ऐसे इक्विलिब्रियम पढ़ने सिखाऊंगा, हम न्यूमेरिकल करेंगे उसको। हाँ आर्यन बोलो, आर्यन कुछ कह रहा था, हाँ बोलो। हमेशा इस चैप्टर में, हमेशा
टेक्निकली उसके यूनिट नहीं होने चाहिए, पर हम हमेशा लेमन की तरह काम करें, कैजुअल काम करें, हम हमेशा यूनिट के साथ बताएंगे। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन अब मैं क्या लिखने वाला हूं, ये देखो, एक्टिव मास इज काउंटेड एज कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर 1 कंसेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3 एट इक्विलिब्रियम। बच्चों इस चैप्टर में स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ कंसेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ कंसेंट्रेशन। अब क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो मुझे आपको पहले स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करवानी है। मैं आपके सामने 3 या 4 एग्जांपल्स लिखूंगा, आपने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। मान लो मैंने आपके सामने ये रिएक्शन ऐसे लिखा, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HL। तो अब यहां पर अगर मैंने आपसे पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज HI, कंसेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में एट इक्विलिब्रियम रेस्ट पावर इट्स कोफिशिएंट 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम रेस्ट पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम रेस्ट पावर 1 जो इनके कोफिशिएंट है। फॉर ए गिवन रिएक्शन विद ए गिवन कोफिशिएंट्स के इक्विलिब्रियम इज रिटन लाइक दिस। मान लो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन ऐसे लिख दी, CaCO3 सॉलिड decomposes to CO solid plus CO2 gas. मैंने कहा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1। बट अभी मैंने आपको क्या बोला, फॉर द सॉलिड्स फॉर द लिक्विड्स वी काउंट एक्टिव मास इज 1। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, दिस इज 1 दिस इज 1, सो के इक्विलिब्रियम इज ओनली CO2 कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1। ये एग्जांपल मैंने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में दे दी, ये एग्जांपल मैंने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में दे दी। पर जब भी कभी आपसे कोई न्यूमेरिकल में पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, तो आपने बोलना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते वक्त क्या करना है, प्रोडक्ट में जो दिख रहा है उसकी इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर इट्स कोफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखना है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म में रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसेंट्रेशन रेस्ट पावर देयर कोफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके सामने ऐसा पूछा कि ये कोई रिएक्शन है, अब मैंने आपसे पूछा इसका के इक्विलिब्रियम लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ Fe एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 3 प्रोडक्ट स्पीशीज के लिए, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर लिक्विड एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 4 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Fe3O4 सॉलिड एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1 इसका कोफिशिएंट, हाइड्रोजन के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 4। अब ये बताओ किसके लिए मैं वैल्यू 1 पुट करूं, किस किस के लिए इस एक्सप्रेशन में? 1, 2, 3 इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो अब मैं यहां रख दूंगा, दिस इज 1 अपॉन दिस। क्या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है? क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, यही हमारे न्यूमेरिकल से। क्या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना आ गया? बोलो
अगर हमें कोई रिएक्शन दे दी जाए बैलेंस्ड हो, क्या आप उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखोगे, लिख लोगे ना? कैंसल नहीं किया, कैंसल, मैंने कहा इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, मैं ऐसे लिख देता हूं यार बिना कैंसिलेशन के, मैंने कैंसल नहीं किया, मैंने बोला इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन. फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वी काउंट एक्टिव मासेस वन. तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट स्पीशीज रेस्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीशीज रेस्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट. देखो मैंने क्या लिखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो, ये रेशियो है किसकी? रेशियो प्रोडक्ट ऑफ, जो पहले मैंने ये वर्ड लिखा प्रोडक्ट ऑफ, ये मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन को बोल रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? ईच प्रोडक्ट स्पीशीज रेस टू पावर इट्स कोफिशिएंट टू द के बाद नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? प्रोडक्ट ऑफ, मैथमेटिक्स वाला प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन? ईच रिएक्टेंट स्पीशीज रेस टू पावर इट्स कोफिशिएंट. इज दिस लाइन क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक गर्ल स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रही थी शायद, मैं बस इतनी आवाज सुनी थी, सर हाँ, फॉर ए गिवन रिएक्शन इट्स ए फिक्स्ड नंबर, और क्योंकि इसकी वैल्यू तब तक नहीं बदलती जब तक आप टेम्परेचर ना बदलो, तो जब भी आप किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करोगे एट ए गिवन टेम्परेचर. इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले किसी बच्चे को यह आंसर बोला कि जब भी हम गैस का एक्टिव मास लिख रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास लिख रहे हैं. डेंसिटी है पी एम अपॉन आर टी और मोलर मास इज एम, तो हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं. फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, क्यों एट ए गिवन टेम्परेचर? क्योंकि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर. इसलिए हम पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर को छेड़खानी नहीं कर रहे, क्योंकि इस नंबर की वैल्यू इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. यू चेंज द टेम्परेचर इट्स वैल्यू विल चेंज फॉर द सेम रिएक्शन, बट अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इस रिएक्शन के लिए इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी. इसलिए हम जब भी कभी एक्टिव मास की वर्ड में कभी भी टेम्परेचर आ गया, हम जो भी डिफाइन करेंगे एक्टिव मास वो एट ए गिवन टेम्परेचर डिफाइन करेंगे. That girl student got the answer or not? Good, okay. Yes. हाँ, omit कर दो. बिल्कुल. आप जब उसे one बोल रहे हो ना, आपने उसको वैसे ignore कर दिया. आने वाले time में मैं कुछ exceptional cases बताऊंगा जहां पर liquid को या solid को कब आप one नहीं रख सकते. वो एक्सेप्शनल केसेस में डिस्कस करूंगा बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर. वाह 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 वाह, कितना क्वेश्चन शानदार पूछा. इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा? जब इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा तो आप डिफाइन कैसे करोगे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट? वहां तो बस फॉरवर्ड की रेट है, बस बैकवर्ड की रेट तो आएगी नहीं, तो वो इंस्टेंट ही नहीं आना जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाए रेट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन ही नहीं.
अब शायद आप सबको समझ में आ गया होगा जो पहले दिन आपने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंस। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम आता है तो वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है तो वहां बैकवर्ड रिएक्शन तो हो नहीं रही, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन ही नहीं होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी सिटिंग इन द क्लास? हाँ जी बोलो। सर सर करने से अच्छा सीधा पूछो। हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मुझे ये हाँ लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है, लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है। मान लो ये कोई रिएक्शन ले ली मैंने, ए गिव टू बी प्लस सी, अगर कोई कहेगा ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ, यहां पर तो बैकवर्ड हो नहीं रही तो हम फॉरवर्ड वर्ड भी नहीं यूज करते, हम सीधा बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर इट्स कोएफिशिएंट। बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज सिंपल के, सिंपल के, कोई के एफ नहीं कोई के बी नहीं। व्हाट इज एक्टिव मास ऑफ ए? कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम आना नहीं तो यहां पर बस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट ए गिवन टाइम, और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी बढ़ेगी? घटेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ घटेगा। तो हर रिएक्शन की रेट टाइम के साथ साथ घटेगी जब जब वो इररिवर्सिबल है, क्योंकि इररिवर्सिबल रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन कभी ना कभी तो जीरो पे आएगी। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है तो ए को जीरो बनने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि बी और सी ए बनाएंगे भी तो ए कभी जीरो होगा नहीं, और इक्विलिब्रियम आने के बाद ए ने चेंज होना बंद हो जाना है, तो ए पर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तब ये कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज फॉर रिवर्सिबल। ये डिफरेंस समझ में आया जिसने अभी मेरे से पूछा था? अब यहां पर आप डिफाइन करोगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम दो तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको तीन तरह का पढ़ाऊंगा पर हम इस चैप्टर में यूजुअली दो तरह का पढ़ने वाले हैं, केपी केसी, जो मैं पढ़ाऊंगा एडिशनली के पी कॉमा सी। अगर यहां पे आपके सारे रिएक्टेंट्स सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या कोई सॉल्यूशन फॉर्म में है, आप ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर किसी केस में डिफाइन करोगे। यानी कि जब तक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन का सहारा ले रहे हो, कंसंट्रेशन का सहारा, तब तक इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो आपने लिखना सीखा है इसका नाम है के सी। सी मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि आपने सबके एक्टिव मास को कंसंट्रेशन पुट किया, केसी केसी। लेकिन हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं केपी, ओनली फॉर द रिएक्शन इन विच गैस कंपोनेंट्स आर देयर। फॉर द होमोजेनस रिएक्शन in which every reactant and product is gaseous, like this, it's a homogeneous where every substance is gaseous, for such reaction we used to define Kp also along with Kc। यहां पर क्या मैं इसे erase कर दूं? लिख लिया हुआ है बच्चों? जैसे ये देखो, अगर मैंने यहां पर के सी डिफाइन किया ना कंसंट्रेशन के टर्म में, अब मैं डिफाइन करूंगा केपी। केपी कैसे डिफाइन होगा? सब कुछ वैसे रखना, प्रोडक्ट के लिए ऊपर, रिएक्टेंट के लिए नीचे, पर कंसंट्रेशन की जगह पे लिखना है उनका प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम रेस टू पावर टू अपॉन प्रेशर ऑफ एच टू at equilibrium raised to power 1 pressure of I2 at equilibrium raised to power 1। यानी कि गैसेस के केस में हम
रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, मैंने वर्ड पार्शियल प्रेशर क्यों यूज किया, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इन सब के मोल्स बीकर में होंगे, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ऑल आर प्रेजेंट इन द फ्लास्क। तो इक्विलिब्रियम हमेशा आपका मिक्सचर होगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें हैं, और जब मिक्सचर होता है तो हर गैसियस कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा। तो हर गैसियस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट फॉर द प्रोडक्ट स्पीशीज टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीशीज रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, दैट रेशियो वी डिफाइन इट एज केपी। क्यों हमने ऐसा डिफाइन किया, ध्यान से समझो। फॉर द गैसेस, ये किसी का माइक ऑन, अपना माइक ऑफ करो। फॉर द गैसेस एक्टिविटी, एक्टिव मास ऑफ द गैस वी काउंट एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मैं रैंडमली किसी को एग्जिट करवा रहा हूं मीटिंग से, मुझे नहीं पता कि उसका वो क्या कर रहा है, जिसका भी माइक ऑन है। उज्जवल कुमार, आई एम मेकिंग यू आउट फ्रॉम दिस मीटिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये डिफाइन करवाया था कि एक्टिव मास इज डिफाइंड एज कंसेंट्रेशन टाइम एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और मैंने ये समझाने के लिए कि कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड और लिक्विड कांस्टेंट होती है, बट फॉर गैसेस कंसंट्रेशन चेंज होती है, वेरिएबल नंबर है गैसेस के लिए ये। तो एक्टिव मास गैस का कांस्टेंट नहीं होता, पर एक्चुअली आईयूपीएसी ने जो हमें डिफाइन करके दिया है कि गैसेस के लिए अगर आपको एक्टिव मास डिफाइन करना ना, एक्टिव मास फॉर द गैस इज डिफाइंड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस into activity coefficient for the gas। और गैस के केस में हम एक्टिविटी कॉफिशियंट का नया नाम रखते हैं, वी कॉल इट एज फ्यूगैसिटी कॉफिशियंट। ये सारे टर्म एक्टिविटी कॉफिशियंट, फ्यूगैसिटी कॉफिशियंट आप पूरे सिलेबस में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये एडवांस्ड लेवल में थर्मोडायनामिक्स में आते हैं, जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर आपकी गैस आइडियल है तो दिस नंबर इज वन, अगर आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन आइडियल है दिस नंबर इज वन। गैसेस के केस में एक्टिव मास एक्चुअली डिफाइन ऐसे किया गया, उसके प्रेशर को ही हम उसका एक्टिव मास मानते हैं, काउंटिंग फ्यूगैसिटी कॉफिशियंट जस्ट लाइक एक्टिविटी कॉफिशियंट वन। अगेन एक्टिव मास हैज नो यूनिट, इसलिए डिवाइड बाय वन बार करना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर के स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं बार, और उसे यूनिटलेस बनाने के लिए, इसे यूनिटलेस बनाने के लिए डिवाइड बाय वन बार करते हैं। तो जैसे यहां मोलैरिटी रखी, कोई भी मोलैरिटी, टू मोलर, फोर मोलर, तो डिवाइड बाय वन मोलर करते हैं इसे यूनिटलेस बनाने के लिए, तो इसी तरह यहां डिवाइड बाय वन बार करना पड़ता है। पर गैस के केस में हम एक्टिव मास को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जब आपकी रिएक्शन कोई गैसियस कंपोनेंट में जा रही है, जिसमें रिएक्टेंट भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस हैं, तो आप उस समय इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है एक्टिव मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट अपॉन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर वन, एक्टिव मास ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर वन, और आप एक्टिव मास को किसके साथ इक्वेट करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यू कैन राइट नाउ हियर लाइक दिस,
and this ratio is called Kp. गैसेस के केस में उसके एक्टिव मास को उसका पार्शियल प्रेशर के साथ इक्वेट करके यहां वैल्यू पुट कर दी. टेक्निकली क्योंकि प्रेशर अपॉन वन बार, तो प्रेशर के यूनिट्स बार बाय बार, एक्टिव मास के यूनिट्स नहीं होंगे यहां पर, यूनिट्स के साथ हम नहीं रखेंगे. बट हम थ्योरेटिकली नहीं चल रहे, हम कैजुअली चल रहे हैं. हम यहां जो भी प्रेशर की वैल्यू रखेंगे यूनिट्स के साथ ही रखेंगे चैप्टर में पूरे. क्या आपको केपी का मतलब समझ में लगा कि केपी और केसी में फर्क क्या है? केसी में आपने हर गैसियस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन रखनी है, केपी में हर गैसियस कंपोनेंट का प्रेशर रखना. और जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा, ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम. दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ गैस, दिस इज इक्वल टू पी बाय आर टी. मैंने आपको कहा ना कि हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे किसी भी रिएक्शन के लिए. तो एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो गई, इसका मतलब हर गैसियस कंपोनेंट का प्रेशर भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा. अगर हर कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम आने पर कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो गई, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर उस गैस का प्रेशर भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा. इसलिए ये नंबर कांस्टेंट हो जाएंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा. क्या आपको ये शब्द, ये लफ्ज समझ लगे? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? टाइम के साथ साथ जब हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन घटेगी, तो इनके अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो प्रेशर भी घटेगा. पर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया तब तक, जब इक्विलिब्रियम आ गया इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो उस समय उनके पार्शियल प्रेशर को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा. और जिस इंस्टेंट पे इनका पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसी इंस्टेंट पे इसका पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो प्रोडक्ट स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम आने पे, रिएक्टेंट का भी पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम आने पे. तो रेशियो ऑफ द टू कांस्टेंट्स विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बट द ओनली डिफरेंस इज when you are replacing the concentration term into the pressure term. For every gaseous substance, we use the word ki kc ki jagah apne kp likha. For example, abhi thodi der pehle maine aapko ye example copy mein is example is reaction ka likha tha. CaCO3 solid, Cu solid plus CO2 gas. Is reaction ke liye agar maine pucha ki kc ka expression batao, kc तो आप क्या पुट करोगे CO2 के लिए? ये तो सॉलिड है, इनके लिए तो 1-1 आएगा. इसके लिए आप क्या पुट करोगे जब यहां C लिखा है? What C stands for? Concentration. At equilibrium. लेकिन अगर मैंने कहा कि इस रिएक्शन का Kp लिखो, इसके लिए तो 1-1 लेना है. एक्टिव मास तो सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट का 1-1 है. तो इसके लिए, गैस के लिए केपी के टाइम पर आप कंसंट्रेशन की जगह क्या टर्म लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम रेस्ट पावर इट्स कोफिशिएंट. तो क्या आपको केपी और केसे लिखना आएगा किसी भी रिएक्शन के लिए? तो पहले नोट कर लो इसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. कहां पर? यहां, यहां fugacity coefficient, fugacity coefficient for gas. मैंने ये कहा था कि जो concentration होती है वो moles by volume होती है, और किसी भी गैस के लिए मोल्स बाय वॉल्यूम पी बाय आरटी होगा आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ना, तो एन बाय वी इज पी बाय आरटी. और मैंने ये कहा था कि हम पूरे रिएक्शन में, पूरे चैप्टर में फॉर ए गिवन रिएक्शन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रख रहे हैं. तो जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने पर कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया होगा.
तो मैं ये कह रहा था कि इक्विलिब्रियम आने पर हर गैसियस कंपोनेंट का मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जब इक्विलिब्रियम आएगा टाइम के साथ साथ हाइड्रोजन अपना, जब टाइम के साथ साथ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी प्रेशर कम हो रहा था, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर। आयोडीन टाइम के साथ साथ अपनी कंसंट्रेशन कम कर रहा था, जब कंसंट्रेशन कम हो रही थी पार्शियल प्रेशर कम हो रहा था, क्योंकि टेम्परेचर हम कहीं नहीं चेंज कर रहे। टाइम के साथ साथ एचआई का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा था। तो टाइम के साथ साथ इसका पार्शियल प्रेशर घट रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, पर जिस समय इक्विलिब्रियम आया क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि टी तो चेंज नहीं हो रहा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज गेटिंग कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज गेटिंग कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज बिकमिंग कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? जिसने अभी मेरे से ये पूछा था कि इसके बाद आपने क्या बोला था। बोलो। ये तूने बिल्कुल ही यूजलेस क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। एक मिनट, सॉरी, तूने, मैंने शायद कुछ और सुना। तूने क्या बोला अभी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन विद ए गिवन स्टाइल ऑफ राइटिंग इज ए कांस्टेंट। जब तू कह रहा है ना कि बैकवर्ड रिएक्शन का, शायद तेरे को ये कुछ टाइम बाद पता लगेगा एक्चुअली इसमें थोड़ा एरर है तेरे क्वेश्चन पूछने में। फिलहाल मैं बोलूंगा कीप इट एज ए अनआंसर्ड फ्रॉम माई साइड। मैं वही कह रहा हूं, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। मैं इसमें एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस वक्त मैं तेरा ये पॉइंट एंटरटेन करूंगा। कह रहे इरेज बच्चों, क्या ये लिख लिया आपने? हैव यू ऑल रिटन दिस? ओके। हाँ, एक स्टूडेंट कुछ कह रहा था। सर बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनकी जो, जिस चीज को तू बोल रहा है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मोशन, उस मोशन पे हम इस सेंस में बात करते हैं, कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज, कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। हम मोशन को कोलिजन से देखते हैं। और जब तूने, जब हमने थोड़ी देर पहले ये कहा टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, तो एक्चुअल में हम ये कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड घटते हैं, और प्रोडक्ट स्पीशीज में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड टाइम के साथ साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है? अब जब आप केपी और केसी पढ़ चुके हो, तो अब हमारा टॉपिक बन रहा है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अच्छा नहीं, इससे पहले मैं आपको ये टर्म दिखा दूं, केपीसी। मान लो एक रिएक्शन ऐसे लिखी आपने, आई डोंट केयर अबाउट दिस, यू हैव टू स्टडी टिल आई एम टीचिंग यू, और आज बोल दिया नेक्स्ट टाइम से मैंने सुनना नहीं। केपीसी में अगर मैं यहां बात करूं, मान लो एक कोई रिएक्शन है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस प्रोड्यूसिंग जिंक सल्फेट एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। जब भी कभी कोई टर्म आ गई ना एक्वस, इट मींस जिंक सल्फेट इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, यू आर टॉकिंग ऑफ ए सॉल्यूशन। जब भी कभी आपके सामने ये टर्म एक्वस फॉर्म में आ गया, वी आर टॉकिंग ऑफ ए सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट इज ए सॉल्यूट, सॉल्वेंट इज वाटर, ओवरऑल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट। तो जब आप इसके लिए केसी लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट
at equilibrium raised to power its coefficient into for copper solid at equilibrium upon zinc solid at equilibrium into copper sulfate at equilibrium. अब बच्चों ध्यान से समझना, आप यहां पर किसके लिए एक्टिव मास की वैल्यू 1 रखोगे? किसके लिए 1 रखोगे? सॉलिड्स. इसके लिए वैल्यू 1, इसके लिए वैल्यू 1, पर इसके लिए वैल्यू 1 नहीं रखनी. क्यों नहीं रखनी? अगर जिंक सल्फेट पानी में घुला, अगर जिंक सल्फेट पानी में घुला है तो लिक्विड ही, पर उस पानी में दो चीजें आ गई ना, जिंक सल्फेट एंड वॉटर. क्या वो प्योर लिक्विड है? नहीं. सॉल्यूशन इज नॉट ए प्योर लिक्विड. और अगर सॉल्यूशन प्योर लिक्विड नहीं है ना, तो सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास को 1 नहीं रखना, जिसके लिए एक्वस लिखा. और प्लीज नोट इट, जब भी आप यहां एक्टिव मास में कंसेंट्रेशन ले रहे हो, कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो आप इसको डिफाइन कर रहे हो मोलैरिटी के टर्म में, तो आप लिखोगे मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉट. मोलैरिटी में डिफाइन, नीचे वॉल्यूम किसका होता है? किसका वॉल्यूम होता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और बच्चों ये चीज हमेशा नोट करके रखना, ध्यान से देखना. मान लो मैंने यहां पर जिंक सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूट है विच इज वॉज सॉलिड, इट वॉज डिजॉल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. अगर मैं ये मान लूं कि मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, तो आप किसका वॉल्यूम इग्नोर कर सकते हो? इफ योर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉलिड, यानी कि आप सॉल्यूट का वॉल्यूम हमेशा इग्नोर कर रहे हो. क्यों? क्योंकि हम पूरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट मानेंगे. क्यों मानेंगे डाइल्यूट? क्योंकि जब आप 12th में जाओगे, आप पढ़ोगे सॉल्यूशन इज सेट टू बी आइडियल इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. और मैंने आपको बोला पूरे चैप्टर में सब कुछ आइडियल मान के चल रहे, एंड आइडियल सॉल्यूशन इज बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन. और जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करोगे, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही मान रहे हैं. इसलिए अगर आपको मैंने ये कहा ना, इस सॉल्यूशन के अंदर मान लो मैंने थोड़ा बहुत मटेरियल किसी दूसरी मेटल का डाल दिया, सॉलिड का, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब आपने कॉपर इसमें डाला, इनकी आपस में कुछ रिएक्शन हुई, लेट्स से ये कॉपर सल्फेट था, ये जिंक था, यानी कि जब आप कभी किसी सॉल्यूशन में कुछ मिलाते हो ना, तो आप पूरे चैप्टर में ये मानोगे मोल्स पे असर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं आने वाला. और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं आ रहा, क्योंकि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही है, तो जब भी आप दो रिएक्टेंट मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाओगे, किसी सॉल्यूशन में दो या तीन चीजें मिक्स कर दोगे और आपस में अगर वो रिएक्ट हो रही है, हम ये बोलेंगे कि मोल्स में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. इसलिए किसी भी सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शन में आप एक्टिव मास कॉन्स्टेंट नहीं लोगे. क्या ये बात समझ में लगी है या नहीं? जब भी हम कभी सॉल्यूट, मतलब एक सॉल्यूशन में मैंने दो चीजें मिक्स कर दी, उनकी आपस में रिएक्शन हो रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉलिड और सॉल्यूट का रिएक्शन होने से सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम में सारा कॉन्ट्रीब्यूशन सॉल्वेंट का है. जैसे आप यूडियोमेट्री करते थे, तो हम जब भी बोलते थे ना कि अगर गैस के मिक्सचर में थोड़ा लिक्विड भी आ गया, तो लिक्विड का वॉल्यूम इग्नोर कर दो. तो यहां मैं बोलूंगा सॉलिड्स का वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम इग्नोर कर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट का वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम नियरली सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर रहेगा. और जब वॉल्यूम में कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम, सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स में आपस में रिएक्शन हो रही है, तो एक्टिव मास फॉर एनी कंपोनेंट व्हिच इज टेकन इन ए सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड एज ए कॉन्स्टेंट, इट्स अ वेरिएबल नंबर. और जो नंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप 1 नहीं रखोगे. क्या ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं? तो जब भी कभी कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एक्वस लिखा आ गया, आपने केसी डिफाइन कर लिया. अब ये बताओ इस रिएक्शन में कोई गैस है?
यहां पे कोई गैशियस कंपोनेंट है? नहीं, तो आप इस रिएक्शन में केपी नहीं डिफाइन करो, यू विल नॉट डिफाइन केपी। लेकिन अगर ये रिएक्शन ऐसे दी होती ना, जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस प्रोड्यूसेस ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस। अब अगर मैंने कहा कि कैसे डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट एट इक्विलिब्रियम रेज्ड टू पावर इट्स कोएफिशिएंट 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस एट इक्विलिब्रियम रेज्ड टू पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड रेज्ड टू पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एट इक्विलिब्रियम रेज्ड टू पावर 1। किसको 1 रख दूं इनमें से, किस नंबर को 1 रखूं? जिंक, दिस इज काउंटेड एज 1। अगर मैंने कहा कि इसका केपी लिखना है, तो केपी अगर लिखना है तो आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ओनली, क्योंकि सिर्फ यही गैसियस कंपोनेंट। पर एक्चुअल में ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस भी हो, सॉल्यूशन भी हो, सॉल्यूशन और गैस दोनों है, वहां हम डिफाइन करते हैं केपी से। इसका मतलब अगर कोई गैस है उसके लिए प्रेशर रखो, अगर कोई सॉल्यूशन है उसके लिए कंसंट्रेशन रखो। यानी कि उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट एट इक्विलिब्रियम रेज्ड टू पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम रेज्ड टू पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन टर्म है उसके लिए कंसंट्रेशन, अगर कोई गैस टर्म है उसके लिए प्रेशर। और ये हम इस पे जब भी कभी हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम आएगा, हेट्रोजीनस, तब हमेशा केपीसी का यूज करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी कि केपीसी का यूज कब करना है? जिंक के लिए फिर से 1, 1, 1, इसके लिए फिर से 1। अगर कभी भी कोई हेट्रोजीनस रिएक्शन आ गई तो सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन यूज करना है, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर। अगर क्वेश्चन में कहा केपी लिखो, स्पेसिफिकली केपी, तो फिर सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहां कुछ भी गैस नहीं। अगर इसके लिए केसी डिफाइन करना है, फिर सबकी कंसंट्रेशन। और अगर न्यूमेरिकल में ये नहीं बताया कौन सा के, तो आपने हमेशा इसे मानना। फॉर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम वी ऑलवेज डिफाइन लाइक दिस। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा, हम इसे मानेंगे, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैंने एग्जांपल दिया है। वैसे एक्चुअली जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा दुनिया में एक्चुअली सारे रिएक्शन रिवर्सिबल, पर वो अभी नहीं आपको समझ में आएगा, थर्मोडायनामिक्स में करो। जिस भी रिएक्शन को आप आज की डेट में इररिवर्सिबल कोई देख रहे हो ना, रियलिटी में वो भी एक तरीके का रिवर्सिबल है। बट दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी डीप, वो थर्मोडायनामिक्स में एंड में पता लगेगा। हाँ, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहा था? मैंने ये कहा कि जिंक सल्फेट तो सॉल्यूशन है ना, तो यहां पर सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म लिखोगे, जो भी टर्म एक्वस सॉल्यूशन में है उसके लिए कंसंट्रेशन लिखना है, और अगर कोई कंपोनेंट गैस में है उसके लिए पार्शियल प्रेशर लिखना, अगर कोई कंपोनेंट सॉल्यूशन में है उसके लिए कंसंट्रेशन लिखो, सॉलिड के लिए या प्योर लिक्विड के लिए 1 नंबर आएगा एज इट इज। तो अब आपने प्रेशर की टर्म में, कंसंट्रेशन की टर्म में दोनों चीजें दिखाई हैं, इसलिए यहां पर केपीसी लिखा जा रहा है। ठीक है, ओके, वेलकम। बिल्कुल, केसी और केपी, अभी आपने H2I2 वाली रिएक्शन ही देखी थी, उसमें तो दोनों डिफाइन हो गए, केपी भी डिफाइन हो गया, केसी भी डिफाइन हो गया, तो क्वेश्चन में वो बता दिया जाएगा। अगर तो रिएक्शन होमोजेनियस वाली है ना, वो हमेशा बता देंगे केपी निकालो,
केसी निकालो, वो मेंशन करेगी। और अगर कोई हेटरोजेनस वाली होगी उसमें उन्होंने ये नहीं बताना कौन सा के, तो बाय डिफॉल्ट मानना केपीसी। क्लियर? सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द टुडेस क्लास। अगर किसी को नहीं, मोल्स तो चेंज होंगे ना टाइम के साथ साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हो इनकी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो टाइम के साथ साथ बनेगा ना, मोल्स तो टाइम के साथ साथ डेवलप होंगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ेगी। ठीक है? सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंडिंग ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, ओके ओके बच्चों।